गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सबसे पहले तो हमें ये जानना है इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है एंड इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है। जब मैंने आपको थोड़ा सा नॉमनक्लेचर के बारे में एक्सप्लेन किया है तो वहाँ पर मैं आपको दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला एक्सप्लेन की थी। इथेनॉल, इथ मीन्स दो कार्बन, ओएल मीन्स एल्कोहल, तो इसका फॉर्मूला है C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, C2H5OH। ऐसे ही इथेनोइक एसिड, इथ मीन्स अगेन टू कार्बन, ओइक एसिड COOH ग्रुप, तो द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इज CH3COOH। द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इथेनोइक एसिड इज CH3COOH। This is the formula of the compound. We will study these compounds. हम दोनों compounds के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी properties, क्योंकि ज़्यादातर properties आपके syllabus से remove कर दी गई हैं। तो properties of ethanol. Ethanol is a liquid at room temperature. For the melting and boiling point of ethanol के लिए अगर हम देखें तो table में हमें दिया हुआ है, लेकिन liquid रहता है room temperature. क्यों? अब ये रीजन है, उसका रीजन हम देंगे क्योंकि इथेनॉल में बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इथेनॉल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स आप पीते हैं, एल्कोहल ड्रिंक्स का मतलब यहाँ ये नहीं कि सिर्फ आप एल्कोहल की बात कर रहे हैं, आप अगर कोल्ड ड्रिंक की भी बात करें तो उसमें भी इथेनॉल होता है, आपके डिओड्रेंट में भी इथेनॉल होता है। तो इसका ये कॉमन एक इंग्रेडिएंट है अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए, एसिडिक ड्रिंक में भी होगा। इन एडिशन, बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन, कफ सीरप्स एंड मैनी टॉनिक्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, इसीलिए हम इसको बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज करते हैं, जैसे कि टिंचर आयोडीन। अगर आपको चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर आपके वुंड को टिंचर आयोडीन से साफ करते हैं, जिससे कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हो तो वो रिमूव हो जाए। कफ सीरप्स में बहुत होता है इथेनॉल, इसीलिए हमें कफ सीरप्स को पी के मोस्टली नींद आती है, और बहुत सारे टॉनिक्स में भी होता है। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल है, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दीजिए इथेनॉल और पानी एक दूसरे में डिजोल्व हो जाते हैं। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस, मतलब अगर आपने थोड़े अमाउंट में ही इथेनॉल को लिया है तो आपको नशा रहेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको ले लेंगे तो ये फेटल है, आपकी डेथ भी हो सकती है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम, गवर्नमेंट तो लगातार बैन लगा रही है, कह रही है सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। तो आप अपने आप से ये प्रण करें कि आप इस गंदी आदत का शिकार कभी नहीं बनेंगे। तो इथेनॉल जो है वो हमारे अल्कोहल में होता है, जिसको हम शराब बेसिकली कहते हैं। इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, वो लीथल होता है। लीथल मतलब जानलेवा, आपकी जान जा सकती है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और निकल कर आती है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, मतलब जो बिल्कुल प्योर फॉर्म होगी इथेनॉल की, उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। और अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक अल्कोहल को लेते हैं तो हमारा लीवर डैमेज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो जाती हैं। तो अवॉइड दिस प्रैक्टिस। तो दिस इज अबाउट द इथेनॉल। स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड के बारे में बात करते हैं कि वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। बिल्कुल, हमारा जो एसिटिक एसिड है, अगर हम उसका 5-8% सॉल्यूशन वाटर में मिला दें तो हमारा वो इथेनॉल बन, इथेनोइक एसिड को मतलब कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। और अगर हम एसिटिक एसिड को वाटर में मिला दें तो विनेगर बन जाता है, जो विनेगर हम यूज़ करते हैं चाउमीन में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी खाने की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, वो विनेगर होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, नाउ इट इज़ वाइडली यूज एज अ प्रिजर्वेटिव ऑल्सो, यस इट इज़, हम इसको एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर आपको ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। एंड इट इज ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, और अगर ठंड ज़्यादा बढ़ जाए तो ये फ्रीज हो जाता है।
दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और इसलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी रखा गया है। आप लैब में अगर आप देखेंगे तो आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड की बॉटल्स बहुत सारी मिल जाएंगी। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। बिल्कुल, नाम में एसिड आ रहा है तो नेचुरल सी बात है कि इसमें एसिडिक करेक्टर होगा ही होगा। अनलाइक मिनरल एसिड्स लाइक HCl व्हिच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो थोड़े वीक एसिड होते हैं। और ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जो एसिड्स जिनमें कार्बन होता है वो वीक एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स नहीं होते हैं। तो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। तो आप इनको कॉपीज में अपनी कॉपी में कॉपी करिएगा और इनको पढ़िएगा, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप प्रॉपरली पढ़ें, अच्छे से करें। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं इसके वो आपके चैप्टर से जो है रिमूव किए गए हैं, तो आज आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है। तो थैंक्स फॉर टुडे।